वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे वो भारतीय मशहूर क्रिकेटर बल्लेबाज विराट कोहली जी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका क्रिकेट का जो लाइफ रहा उसके बारे में। तो उनका जीवन परिचय है दोस्तों, इनका नाम जो है वास्तविक नाम वो विराट कोहली है। इनके घर में इनको चीकू रन मशीन के नाम से जाना जाता है। और इनका जो वनडे एक दिवसीय हुआ था 18 अगस्त 2008 को शुरुआती श्रीलंका के खिलाफ, दाम्बुला में टेस्ट 20 जून 2011 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और किंगस्टन में T20 12 जून 2010 जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में। तो दोस्तों, ये भारत और IPL के लिए भी खेलते हैं और डोमेस्टिक में दिल्ली इंडिया रेड ऑयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी ये हेड हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही मैदान में बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं। और किस टीम के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं उनमें से है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पसंदीदा शॉट्स इनके हैं कवर ड्राइव और फ्लिप शॉट। और रिकॉर्ड्स हैं इनके, जो मुख्य रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो विश्व कप डेब्यू 2011 में शतक बनाने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी, 22 साल की उम्र में लगातार दो वनडे एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर व सुरेश रैना के बाद, वनडे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000, 3000, 4000 और 5000 रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर हैं। भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी वर्ष 2013 में जयपुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में लगातार 25 वनडे एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये। वनडे एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 7500 रन और डॉन ब्रैडमैन और रिकी पोंटिंग के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 13 शतक बनाया था। और डॉन ब्रैडमैन, ग्रीम स्मिथ और माइकल क्लार्क की तरह 4 दोहरे शतकों का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। दोस्तों, पहले भारतीय कैप्टन जिन्होंने एक वर्ष में 9 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की, और भारतीय कप्तान जिन्होंने 5 टेस्ट सीरीज भी जीत दर्ज की है। राहुल द्रविड़ के बाद विराट कोहली पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वर्ष में टेस्ट मैचों में 1000 से भी अधिक रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ ने वर्ष 2011 में 1145 रन बनाए थे। वहीं पर टेस्ट मैच में सर्वाधिक 235 रन बनाने वाले भारतीय कैप्टन हैं ये। भारतीय टेस्ट कैप्टन जिन्होंने विदेशी सरजर्मी पर दोहरे शतक बनाए हैं और IPL के एक सीजन में सर्वाधिक रन IPL 9 116 गेंदों में 973 रन एक IPL सीजन में 4 शतक लगाए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और इनका करियर टर्निंग जो है 2008 में, जब मलेशिया में भारतीय कैप्टन के रूप में अंडर 19 विश्व कप इन्होंने जीता था। और इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर जानेंगे तो इनकी जन्म की तिथि है 5 नवंबर 1988 और जन्म स्थान है इनका दिल्ली भारत, और इनका गृहनगर दिल्ली भारत हुआ। और स्कूल की पढ़ाई जो हुई इनकी, विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, जेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम बिहार दिल्ली। और इनके पिता का नाम है स्वर्गीय प्रेम कोहली, जो आपराधिक वकील रह चुके हैं। और इनकी माता का नाम सरोज कोहली, जो कि कुशल गृहिणी है। इनकी एक बहन है भावना कोहली, जो इनसे बड़ी है। भाई जो भी है एक इनसे, विकास कोहली, वो भी इनसे बड़े हैं। तो दोस्तों, इनके जो कोच हैं उनका नाम है राजकुमार शर्मा। और इनके DLF सिटी गुरुग्राम में इनका फ्लैट है। दोस्तों, इनका जो शौक है वो व्यायाम करना, यात्रा करना, गायन और नृत्य करना। दोस्तों, मैंने इनका फ्लैट, अपार्टमेंट और इनका जो घर है वो मैं शेयर की हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इनके कुछ विवाद भी हुए थे वर्ष 2011 में। अपने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान विराट कोहली ने सिडनी मैदान में बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए दर्शकों की ओर अभद्र रूप से अपनी मध्य उंगली दिखाई और मीडिया में काफ़ी आलोचना भी हुई थी। वर्ष 2013 में IPL 6 के दौरान रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में गौतम गंभीर और विराट कोहली में कहासुनी हुई। उन्होंने कुछ समय बाद रजत भाटिया के द्वारा विराट को आउट करने के पश्चात विराट कोहली और उत्तेजक
हो गए और पीछे हटने के बजाय रजत भाटिया पर वो टिप्पणी करने लगे, जिससे दोनों में आपस में दुर्व्यवहार भी शुरू हो गया था। दोस्तों, विश्व कप 2015 से पहले बीसीसीआई ने विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जिसमें कि विराट कोहली जिस होटल में ठहरे थे उनकी प्रेमिका अनुष्का शर्मा भी उसी होटल में ठहरी थी, जिससे वो सुर्खियों में रहे। 2016 में T20 वर्ल्ड कप अभ्यास में विराट कोहली द्वारा एक पत्रकार पर अभद्र टिप्पणी करने का भी उसमें उनको आरोप लगा है। तो इस तरह से कुछ वाद विवाद हुए दोस्तों, काफ़ी सारे वाद विवाद हुए थे और उनसे वो बाहर आ गए। दोस्तों, इनका पसंदीदा क्रिकेटर से बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, सेन वॉटसन, डेविड वार्नर, जो रूट, हर्षल गिब्स और गेंदबाज महेश सेन वॉर्न। और दोस्तों, पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड है इनका ओवल ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। पसंदीदा क्रिकेट इनके जो है टिप्पणीकार कमेंटर वो हर्षा भोगले। पसंदीदा व्यंजन इनका है सलेमन और सुशी लैम्ब और चॉप्स। और पसंदीदा अभिनेता हैं इनके आमिर खान, जॉनी डेप, जूनियर रॉबर्ट और डाउनी। पसंदीदा अभिनेत्री हैं इनकी वेलेनोव क्रूज, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा। दोस्तों, फिल्म में इनकी जो है बॉर्डर, जो जीता वही सिकंदर, इश्क और थ्री इडियट्स इनकी पसंदीदा फिल्म है। और हॉलीवुड में रॉकी फोर, आयरन मैन, साउथ अप्पा इनके पसंदीदा पिक्चर हैं। पसंदीदा टीवी शो इनका है अमेरिकन, होमलैंड, नार्कोस, ब्रेकिंग बैंड। इस तरह से ये टीवी शो भी पसंद करते हैं। पसंदीदा गीतकार है इनका असर एमिनेम और पसंदीदा कार इनका है एस्टन मार्टिन। पसंदीदा पुस्तक है इनकी परमहंस योगानंद योगी की आत्मकथा। ये विवाहित हैं और इनकी वाइफ का नाम है मॉडल और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। दोस्तों, इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही अपने ज़माने की और इसके साथ साथ अनुष्का शर्मा से इन्होंने शादी की 11 दिसंबर 2017 को। अगर कार संग्रह की बात की जाए दोस्तों, तो इनके पास है ऑडी Q7, ऑडी S6, ऑडी R8V10, ऑडी R8, LMX, ऑडी A8 और LW12 क्वाट्रो, टोयोटा फॉर्चुनर। और इन ये जो हैं कम से कम इनकी जो नेटवर्थ है वो 400 करोड़ से इंडियन रुपीस में आकी गई है। तो दोस्तों, 3 वर्ष की उम्र से ही विराट कोहली का रुझान क्रिकेट की तरफ हो गया था। जब विराट की आयु 9 वर्ष की थी तो क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा उन्हें पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ले गए और वर्ष 2003 में कोच राजकुमार शर्मा ने आशीष नेहरा को अपनी एकेडमी में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने विराट कोहली को सम्मानित किया गया, क्योंकि उनके द्वारा वर्ष 2002 से 2003 की पॉल उमरी का ट्रॉफी में 34-40 की औसत से सर्वाधिक 172 रन ये बनाए थे। विराट कोहली का उपनाम चीकू है, दिल्ली के कोच अजीत चौधरी ने रखा था। उनका पसंदीदा विषय हिस्ट्री है और वो गणित से नफरत करते हैं। तो दोस्तों, 2006 में उनके पिता का मस्तिष्क की बीमारी से निधन हो गया था। उनके निधन के अगले ही दिन विराट कोहली को कर्नाटक के खिलाफ मैच खेलना था। उन्होंने 90 रन की पारी खेली और उनकी भविष्य के लिए कोई भी योजना नहीं थी। अगर वो क्रिकेट ना बनते तो वो क्या करते, तो इस बात पे उन्होंने बोला कि मैं एक क्रिकेटर ही बनता। इस प्रकार कई अंधविश्वास करते थे कि मैच के दौरान काले रंग का रिस्ट बैंड और कड़े को पहनकर मैच खेलना वो मानते थे। उनका कड़ा और रिस्ट बैंड उनकी विजय का प्रतीक है। उन्हें ऊंचाई से डर लगता है दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो बहुत आक्रामक और भावनात्मक छवि के व्यक्ति हैं। 2012 से 20 तक T20 विश्व कप के दौरान भारत जब सेमीफाइनल के लिए जगह नहीं बना पाया तो वो मैदान में ही रोने लगे थे। उन्होंने 2012 में ICC एक दिवसीय वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और 2012 में विराट कोहली का नाम 10 बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पुरुष में पहनावे में अंकित हुआ। उन्होंने भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2013 और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। मैं वो शेयर करूंगी वो फोटो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है विराट कोहली जी के बारे में, इसलिए पूरा देखिएगा। 2017 में उन्हें सीमा सुरक्षा बल BSF का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो स्विस टेनिस खिलाड़ी रोज फेडरर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग
यूएई रॉयल्स टीम के सह मालिक भी हैं। वो टैटू प्रेमी हैं और उनके टैटू की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके बाएं कंधे पर सबसे पहले ईश्वर की आंख है जो शक्ति का प्रतीक है, और जो अज्ञात है अपने बाएं कंधे पर दूसरा टैटू जापानी समुराई योद्धा का है जो आत्म अनुशासन और सम्मान का, नैतिक व्यवहार के प्रति निष्ठा से जीवन जीने का प्रतीक है। अपने बाएं हाथ पर तीसरा टैटू मठ का है जो शांति शक्ति के स्थान का प्रतीक है, और बाएं बाजू पर जो चौथा टैटू है उसमें भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में है। उन्होंने अपने दाहिने कंधे पर पांचवा टैटू बिच्छू बनवाया है जो उनकी राशि का चिन्ह है। दोस्तों, वो दिल्ली के मशहूर रेस्तरां नोएवा के मालिक भी हैं। वो एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी हैं और अपने क्रिकेट कौशल और शारीरिक फिटनेस की वजह से कई लोगों के आइडियल भी हैं। तो दोस्तों, ये मान्यवर मोहे भी उनकी कंपनी है। तो अनुष्का शर्मा और ये दोनों मान्यवर मोहे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ विराट कोहली को भगवान बहुत स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे और भारत को जीत पे जीत दिलाते रहे। तो आज का ये वीडियो आप लोग को सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, विराट कोहली को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार देते हुए मैंने वो फोटो भी शेयर किया है, इनका पुराना घर और अभी का घर, वो दोनों मैंने शेयर किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भगवान उनको और भी कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।